और आगे बढ़ेंगे, छिंदवाड़ा की बात करेंगे। आसाराम बापू के आश्रम में विस्फोट हुआ है। खाना बनाने के दौरान बॉयलर में धमाका हुआ, धमाके में एक शख्स की मौत हो गई है, चार लोग घायल हुए हैं, घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। छिंदवाड़ा में आसाराम बापू के आश्रम में विस्फोट हुआ है। खाना बनाने के दौरान बॉयलर में धमाका हुआ, धमाके के दौरान एक शख्स की मौत हुई है, चार लोग घायल हो गए हैं, सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छिंदवाड़ा से। आश्रम में विस्फोट हुआ, विस्फोट के चलते चार लोग घायल हुए हैं। शरद पाठक का रुख करेंगे। शरद, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है, कैसे ये धमाका हुआ, कितने लोग घायल हुए? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वो खाना बनाने के लिए एक बॉयलर लगाया गया था। प्रबंधन का कहना यह है कि कुछ दिन पहले ही ये बॉयलर लगा था और उस बॉयलर में खराबी आ गई थी, उसको सुधारने के लिए टेक्नीशियन आया था और जो महिलाएं वहां पर खाना नाश्ता करने के लिए आई हुई थी वो उस विस्फोट में घायल हुई हैं। लेकिन पुलिस का मानना यह है कि वो वहां के कर्मचारी थे और प्रबंधन उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। उस सिलसिले में पुलिस पूछताछ कर रही है। महिलाओं में से एक की हालत ज्यादा गंभीर है, बाकी तीन भी गंभीर हैं, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, इलाज जारी है, पुलिस बयान ले रही है अभी। अच्छा शरद, चूंकि पुलिस ने क्या कुछ मामला दर्ज किया, इस मामले को लेकर किसकी लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है? पुलिस अभी बयान ले रही है, ये अभी ज्यादा देर पुरानी घटना नहीं है कि अभी कार्रवाई जारी है। अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है लेकिन पुलिस द्वारा पूरी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने रसोई घर भी सील। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया शरद खबर को विस्तार से बताने के लिए। तो खाना बनाने के दौरान यहाँ पर धमाका हुआ, धमाके में चार लोग घायल हो गए, एक की मौत हुई है। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बॉयलर में धमाका हुआ है, धमाका होने से चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है। हाल ही की घटना बताई जा रही है।